मैंने कहा है कई बार कि कथा को भी मैं केवल एक धार्मिक एक्टिविटी के रूप में नहीं कर रहा हूं, इट्स एन एजुकेशनल एक्टिविटी, ये केवल रिलीजियस बात नहीं है। वैल्यूज इंबाइब करना, चरित्र निर्माण करना, इसलिए पिछले 45 साल से गड़ा फाड़ फाड़ करके पूरे देश में और विदेश में भी जहां भारतीय मूल के लोग हैं घूम रहे हैं। ये कोई हमारे घर को चलाने के लिए हमारा धंधा नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, इसके द्वारा आने वाला एक एक पैसा विद्या के लिए लगता है। लोगों को लगता है कि भाई श्री इतने बड़े कथाकार इतने सालों से कर रहे हैं, करोड़ों इकट्ठा कर लिए होंगे, तुम ऐसा सोचो उसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि तुम ऐसा ही करते हो, तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं। करोड़ों इकट्ठे हुए हैं लेकिन भाईश्री ने अपने लिए नहीं रखे, ये सारे के सारे विद्या के यज्ञ में यूज हो रहा है, उसकी आहुति पड़ रही है। ये मैं ज्यादा करके व्यासपीठ से बहुत बोलता भी नहीं हूं, इसका ढिंढोरा पिटना भी अच्छा नहीं लगता, ये अपने आप को थोड़ा नीचे, लेकिन ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कई लोगों के मन के अंदर भ्रांति है। इतना बड़ा कथाकार इतने सालों से कथा कर रहा है, और अभी एक मुंबई में भाई को पता है, एक बहुत अच्छे सज्जन मेरे प्रति भाव रखने वाले भाई के पास आए, बोले हमारे पास एक बढ़िया वाला प्लॉट आया है मुंबई में, भाई श्री को वहां पर बंगलो बनाना चाहिए, वहां रहना चाहिए, और वैसे तो 12 करोड़ के करीब कुछ कीमत है लेकिन 8-10 करोड़ में तो हो जाएगा। मैंने कहा वाह, ये आदमी हमको क्या समझता है, इतना ऊंचा इतना बड़ा समझता है, धन्यवाद। रुपया 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 रुपया, क्या रुपये की बोलबाला है।